हाय फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम गाइस अगेन। सो गाइस, टुडे आई एम नॉट मेकिंग एनी टॉवल क्रिएशन, और आज मैं आज कोई टॉवल की कोई आर्ट नहीं बनाऊंगा, और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लीनिंग के कुछ आइडियाज। तो आज हम करेंगे क्लीन एसी का फिल्टर, एसी का फिल्टर किस तरीके से क्लीन करते हैं होटल्स में, तो वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। उस वीडियो को देखना आप, फिर आप सीखना कि किस तरीके से एसी का फिल्टर क्लीन करते हैं। और अब से आप मेरी टॉवल की वीडियोस देखते हुए आए हैं, तो अब से मैं आपको क्लीनिंग के बारे में भी बताऊंगा। लास्ट टाइम हमने बनाई थी मेकिंग बेड मेकिंग का, तो बहुत अच्छा रिस्पांस था उसका। तो आज हम एसी फिल्टर की वीडियो बनाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम और क्लीनिंग की वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग सीखते रहें और इस वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें, और दूसरों को जो आपके होटलियर फ्रेंड है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनको इसके बारे में भी बताएं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग का प्रोसेस। सबसे पहले एसी का जो मेन स्विच है, मेन स्विच को हम बंद कर देंगे। तो ये जो एसी है, इस एसी को स्प्लिट एसी बोलते हैं। ओके, एसी का स्विच, मेक श्योर कि सारे स्विचेस के मेन स्विच और एसी का स्विच ऑफ रहे। इसको निकाल दें। इस फिल्टर को क्लीन करने के लिए हमें चाहिए एक आपके पास डस्टर होना चाहिए, एक आपके पास डेंटल किट होना चाहिए, यूज डेंटल किट नया भी ले सकते हैं आप, ठीक। और एक R2 होना चाहिए आपके पास, R2 का स्प्रे बोतल पे R2 होना चाहिए। अगर आपके पास डेंटल किट नहीं है, यू कैन यूज ब्रिस्टल ब्रश और एक डस्टर। तो इसको क्लीन करने के लिए हम रनिंग वाटर का यूज कर सकते हैं, और जग में पानी लेंगे उससे भी साफ। ये आप देख रहे हैं कितना गंदा है, इसमें बहुत सारी डस्ट है। अगर ऐसी डस्ट रहेगी तो गेस्ट कंप्लेंट तो करेगा ही, और एसी में क्लीनिंग कितनी गंदी सही नहीं है, और प्लस आपकी जो एयर फ्लो है वो भी बहुत रुक जाती है डस्ट से। इस तरीके से डस्ट देख रहे हैं आप, इन डस्ट है। ओह माय गॉड, आप अगर इससे हेल्थ प्रोसेस से साफ करेंगे तो उसके प्रेशर से जो ये डस्ट इसमें रुकी हुई रहती है वो क्लीन हो जाती है। जब से लेके करेंगे पानी तो उतना क्लीन नहीं रहेगा। ओह भाई, आफ्टर डैट उसके बाद R2 का स्प्रे ले लें आप, और R2 से इसमें स्प्रे करते हैं पूरे फिल्टर को। ओके, फिर एक ब्रश को ब्रश लेके इस तरीके से इसे क्लीन कर लें। ब्रश को ज्यादा जोर से नहीं चलाना है, स्लोली से स्लोली इसको स्क्रब करते रहें। दोनों साइड से कई बार आपने देखा होगा जब क्लीनिंग के टाइम लोग इसको, बच्चे इसको सिर्फ पानी से क्लीन कर देते हैं, R2 नहीं यूज करते हैं टाइम बचाने के लिए। आप देखिए R2 से क्लीन करने के बाद इसमें कितना फर्क नजर आएगा, ये देख रहे हैं आप कितनी गंदगी निकलती है। अगर इतनी गंदगी रहेगी तो एक क्लीन एसी में हवा आएगी नहीं ठंडी, ये देखिए।
ऑटो से इसकी डीप क्लीनिंग होगी, जैसे रूम की डीप क्लीनिंग करते हैं उस तरीके से ब्रश की डीप क्लीनिंग होगी। उसके बाद कई इस हमेशा आप याद रखें, पानी ये पानी को झड़ जाने दें आप पहले, और कभी भी इसको इस तरीके से ना पटकें, पटकेंगे तो आपके टूट जाएगा। ओके, एक ड्राई कपड़ा लेके इसको साफ कर लें, बस हो गया। जो ये फिल्टर है, ये फिल्टर जो है इसको मैं पानी से क्लीन करूंगा, ठीक है? तो आप फर्क देखना R2 से क्लीन करने के बाद और पानी से क्लीन करने से किस तरीके का फर्क नजर आता है। जिस तरीके से आप लोग R2 ड्राई पानी से करते हैं ना, पानी से करते हैं ना, वैसे देखिए मोस्टली क्या करते हैं, सिर्फ पानी मारा और नीचे मारेंगे तो टूट सकता है, इसलिए इस तरीके से। ओके, तो इसमें हमने R2 यूज नहीं किया है। बिल्कुल ये फर्क देख सकते हैं, बिल्कुल ये देखिए, ये पानी से हमने साफ किया है और इसमें हमने R2 से क्लीन किया है। ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल न्यू लग रहा है, बिल्कुल न्यू ऐसा लग रहा है जैसा अभी मार्केट से अभी खरीद के लेके आए हम। ये हमने पानी से साफ किया है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, इससे साफ ऐसे साफ करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ओके, तो इनको लगा दीजिए आप। एक ड्राई कपड़ा लेके अंदर से हल्का इसमें डस्टिंग कर दीजिए, वाइप कर दीजिए इसको। केमिकल आपको कभी भी किसी चीज पे अप्लाई करना हो क्लीनिंग के लिए, तो हमेशा आप केमिकल को पहले डस्टर पे मारें, डस्टर पे अप्लाई करें, आप इसको वाइप कर देंगे। अब AC को ऑन कर दीजिए। तो ये थी AC की क्लीनिंग का प्रोसेस। ये प्रोसेस आपने वीक में 2 या 3 बार करते रहना है, और ऐसा करेंगे आप तो इससे AC की इफेक्टिवनेस बनी रहेगी, कूलिंग अच्छी रहेगी, आपके गेस्ट खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, कंप्लेंट्स कम होगी और लड़कों को भी सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब लोगों को सिखाएं और खुद भी सीखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।